हाय, वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग जो एक पोएम है ऑन चिल्ड्रन, जो सेकेंड ईयर पीयूसी का थर्ड पोएम है, आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मेरे जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप लोग जो वीडियोस देखते हो उसे आगे फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, और जितना हो सके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और जिस तरह से रिस्पांस आप लोग मुझे दे रहे हो उससे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है। आज एक नया मोटिवेशन जो मुझे मिला है वो है कि मुझे आज आप लोगों के लिए एक नया पोएम लेकर आना है। और ये जो पोएम है ये है ऑन चिल्ड्रन, जिसने कहलील गिब्रान उन्होंने लिखा है। ये जो है ये लेबनन पोएट है। इन्होंने ना एक बच्चों के बारे में एक पोएम लिखा है। काफी स्ट्रेंज पोएम है ये, कि एक आपको एक समरी बताता हूँ कि ये पोएम में एग्जैक्टली है क्या। दरअसल इस पोएम में ऐसा है कि एक औरत होती है जो अपने बच्चे को सीने से चिपका कर एक प्रॉफिट के पास जाती है। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में इसका काफी चर्चा होती है। प्रॉफिट का मतलब होता है जो आने वाले चीजों के बारे में बताना, यानी प्रेडिक्शन करना कि आगे क्या होगा, आपको कैसा रहना चाहिए और लाइफ के अलग अलग मौके पर आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, जिंदगी कैसे बसर करनी चाहिए, आपके रिलेशंस आपके माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ यानी पार्टनर के साथ में कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये जो औरत होती है वो अपने एक प्रॉफिट के पास जाती है और वहाँ पर वो प्रॉफिट को पूछ रही है कि मुझे अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, मुझे इस बच्चे के साथ कैसे रहना चाहिए, मुझे इसे कैसे बड़ा करना चाहिए, कैसे पालो, कैसे पोसो, मुझे बताइए इसके बारे में, या बच्चों के बारे में कुछ तो बताइए। तो जो रिस्पॉन्स या जो रिप्लाई प्रॉफिट देते हैं उस औरत को, काफ़ी स्ट्रेंज रिप्लाई होता है। पहला रिप्लाई जो पहला सेंटेंस जो प्रॉफिट कहते हैं वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है तुम्हारा, ये तुम्हारा नहीं है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तुमने इसे पैदा किया है लेकिन तुम इसके ऊपर अपने जो सोच है, अपने जो डिसीजंस है वो तुम लाद नहीं सकते। इस बच्चे को आज़ाद ख्याल रहने दो, इसे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करने दो। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस पोएम में लिखी हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक्सटेंड तक माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चों के ऊपर छोड़ देने चाहिए कि उसे क्या डिसाइड करना है अपनी लाइफ में, वो कैसे रहना चाहिए। नो डाउट माँ बाप का तो बहुत बड़ा फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को हमेशा सही राह दिखाए, लेकिन बच्चों को भी अपनी जिंदगी जीने का एक मौका मिलना चाहिए, ऐसा इस पोएम में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पोएम के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। अब यहाँ पर ना सामने आपको तीन क्वेश्चंस दिखाई देंगे। प्री रीडिंग एक्टिविटी, व्हाट डू योर पेरेंट्स एक्सपेक्ट ऑफ यू। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आपसे क्या आशा करते हैं, आशा का मतलब होता है उम्मीद, आपके माँ बाप आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जो
किसी के भी माँ बाप हो, वो हमेशा अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो बच्चे उनकी बात माने, सबसे पहली बात। और दूसरा ये कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, बस माँ बाप को और कोई उम्मीद नहीं होती। और हंसी खुशी राजी खुशी अपना बच्चा ज़िंदगी को बिताए। वॉट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स? यहाँ क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि तुम अपने माँ बाप से क्या उम्मीद रखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक ज़माने में, सच्ची में एक ज़माने में बच्चा रहा हूँ, तो मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन थी अपने बाबा से। मैं सोचता था कि मेरे माँ बाप मुझे कभी रोके ना, टोके ना, सख्ती ना करे और ये सारी चीज़ें, राइट। अब आम बात, आम ख्याल में अगर मैं कहूँ तो सारे बच्चे यही चाहते हैं कि अपने माँ बाप से, कि माँ बाप कभी उनको टोके नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। उनको अपनी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो लेने की पूरी आज़ादी हो। अक्सर देखा गया है कि माँ बाप हमेशा बच्चों को सवालों से भरपूर पूछते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा घर के बाहर जाना चाहता है तो वो सबसे पहले माँ बाप, खासकर जो पिताजी होते हैं, वो हमेशा बच्चे को पूछेंगे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कब आएगा, वहाँ जाकर क्या करेगा, राइट। बहुत सारे सवाल। तो बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप इस तरह के सवाल ना पूछें। अब ये सही है या गलत है, ये आप लोगों को सोचना है। देखो, जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं ना, वो ऑब्वियसली हमारे दुश्मन तो नहीं हैं, और जो भी वो करते हैं तो वो हमारे भलाई के लिए करते हैं, ताकि हम कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, हम कोई गलत डिसीजन ना ले बैठे, ना हम कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है, हमारे से ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है। और हमें ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के माँ बाप तो छोड़ दिए बच्चों को उनके हाल पर, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। और वैसे भी आजकल देखा जाए तो जो 21st सेंचुरी है, ये जो ज़माना अब चल रहा है, काफ़ी बदलाव आया है इस ज़माने में। अब जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो रिस्पेक्ट कम्प्लीटली चला गया। पता नहीं क्यों लोग ऐसे क्यों बन गए कि अब एक दूसरों का कोई ख्याल नहीं रखता, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में कोई कुछ पूछता नहीं। आज अगर कोई टीचर स्टूडेंट को मारना चाहे या कोई सख्ती करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रूल इस तरह से बना है। अब हमारा एक ज़माना था जब हम स्टूडेंट थे, तो जब टीचर्स हमको मारते थे तो हम खुशी खुशी उस पनिशमेंट को अपना लेते थे, हम उफ तक नहीं करते थे, मार खा के चुपचाप बैठ जाते। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि अगर हम, अगर बच्चों को कुछ बोलना चाहे या उनकी गलतियों पर रोक टोक करना चाहे, तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं और फिर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। गुरु और शिष्य, वो गुरु दक्षिणा का तो कॉन्सेप्ट ही चला गया। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो मैं बता रहा था कि जो चिल्ड्रंस ऑन चिल्ड्रन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स? बच्चा क्या चाहता है माँ बाप से, राइट। हैव यू एवर फेल्ट योर पेरेंट्स आर टू पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब होता है कि ज़्यादा ही रोक ठोक, ठीक है, और डिमांडिंग। डिमांडिंग का मतलब होता है कि ये करो वो करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। खासकर लड़कियों के साथ में होता है, जब अपनी जो मम्मी होती है वो हमेशा लड़कियों को कहती है कि इस तरह के कपड़े मत पहनो, उस तरह के कपड़े मत पहनो, और ये करो वो करो, वहाँ मत जाओ, उससे मत मिलो, फलानी चीज़ मत खाओ,
और बहुत सारी चीज़ें। लड़कों के मामले में भी होता है ऐसा, जब लड़कों को भी बहुत सारे रोक टोक दिए जाते हैं, हालांकि वो लड़कियों से थोड़े कम होते हैं। लड़कों को आज़ादी दी जाती है, हमारे इंडिया में तो देखा जाए तो लड़कों को काफ़ी आज़ादी दी गई है लड़कियों के मुकाबले। Have you ever felt your parents are too possessive? कभी ऐसा लगा आपको कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी डिमांडिंग हैं? और क्यों, ये क्वेश्चन है। ये सारे जो तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं वो आपको खुद ही आंसर करने हैं, अपने आप से पूछना है कि क्या ऐसा कभी हुआ था, इस तरह कोई भी मौका आया था। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये जो पिक्चर है उसमें एक तो कोई बच्चा होगा और बाकी जो दो होंगे वो माँ बाप होंगे। देखो किस तरह से प्यार से, ये दोनों परिंदे हैं लेकिन इनको कितना अच्छा सूझबूझ है, कितनी अच्छी समझ है कि वो अपने बच्चों को खिला रहे पिला रहे। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई इंसान का बच्चे को अपने जो माँ बाप होते वो खिला पिला कर बड़ा करते हैं। मुझे यहाँ पर एक बात बहुत बुरी लगती है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़े करते हैं, इतनी तकलीफ उठाकर बच्चे को बड़ा करते हैं, उसकी सारी खुशियों को पूरा करते हैं, लेकिन फिर आगे जाकर एक मोड़ ऐसा आता है कि जब बच्चा बाप से पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, ये तो तुम्हारा फर्ज था मुझे पालना पोसना, ये तब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सही नहीं है। आजकल के बच्चे जो है वो रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं कि माँ बाप भी कितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए जो वो नहीं देख सकते। चलिए वो तो एक अलग टॉपिक है, जो मैं अगर बोलना चाहूँ तो फिर वो उसके लिए कोई एक हद नहीं है। आज मुझे टॉपिक से हटकर बात नहीं करनी है, आज मैं सिर्फ ऑन चिल्ड्रन इसके बारे में बात करूँगा, आज सिर्फ बच्चों के बारे में बात करनी है। तो ऑन चिल्ड्रन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, तीन परिंदे हैं उसमें से एक बच्चा है और दो माँ बाप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है एंड अ वुमन हु हेल्ड अ बेब, बेब का मतलब होता है बच्चा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेबी, अगेंस्ट हर बॉसम, बॉसम का मतलब होता है सीना, सेड स्पीक टू अस ऑफ चिल्ड्रन। इसका बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या ये। प्रॉफिट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दो रिलीजन में होता है। और प्रॉफिट वो होता है जो आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी देना, और साथ ही साथ ज़िंदगी के यानी कि फिलोसफी, ज़िंदगी की फिलोसफी के बारे में बताना, जो गॉड है उसका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आम इंसान की वहां तक जाने की कोई पहुंच नहीं है। तो जो भगवान के करीब है जैसे कि ये प्रॉफिट्स होते हैं, इनका इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि ये जो भगवान के जो बोल है, जो भगवान की क्या चाहते हैं भगवान, वो लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। प्रॉफिट का तो जिक्र नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन एक कोई प्रॉफिट है जो प्रीचिंग करने के लिए यानी लोगों को बताने के लिए वहाँ पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रॉफिट प्रॉफिट के सामने, ऐसे प्रॉफिट के आसपास काफ़ी लोग रहेंगे जानकारी लेने के लिए, ज़िंदगी समझने के लिए। तो वहाँ पर एक औरत आती है अपने बच्चे को लेकर, किस तरह से आती है, अपने दिल के करीब उसे रखकर, सीने के करीब लेकर वो जाती है और पूछती है प्रॉफिट को कि हमें बच्चों के बारे में कुछ बताइए, कि हमें बच्चों के साथ कैसे रहना है। ये ज़माना होगा कुछ आज से 1400 साल पहले की बात है, लेकिन उस ज़माने के ख्याल अभी भी मॉडर्न थे। आज कोई माँ बाप
ये नहीं पूछता किसी से कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना है, सिखाइए। बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। आज बच्चे माँ बाप को सिखा रहे हैं। आज का ज़माना ऐसा है, वो ज़माना चला गया जब माँ बाप अपने बच्चों को सिखा देते सही गलत की पहचान। आज वो ज़माना नहीं है। आज बच्चे अपने माँ बाप को कहते कि आपने ये गलती की है, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया, ये गलत किया। ऐसे बच्चे मुंह उठाकर बोल रहे हैं। आज मेरे आंखों के सामने ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। तो चलिए, एंड अ वुमन हु हेल्ड अ बेब अगेंस्ट हर बॉसम सेड स्पीक टू अस ऑफ चिल्ड्रन एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो फिर किसके बच्चे बन में? दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो कहते हैं कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। यहाँ पर ना जो लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ है, इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो ये जो पोएट होते हैं ना, ये काफ़ी एम्बिजियस होती है, यानी कि इसके ना बहुत सारे आप लोग मतलब निकाल सकते हो। और उसका जो असल मतलब है, वो सिर्फ जो इस पोएम को लिखा है वही बता सकता है। अब लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो भगवान है उनके बच्चे हैं, या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपने आप पर निर्भर रहने वाले बच्चे पूरी जिंदगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये देखो क्रिश्चियनिटी, और जैसे कि मैंने कहा था कि जो बाकी रिलीजन्स होते हैं, राइट, उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ना जो जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, ये सारी की सारी भगवान की मर्जी से हो रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी जो रिलीजन होंगे उनके में भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि इस दुनिया में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, राइट। पालनहार, करता धरता, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो एक फिल्म आई थी OMG, उसमें जब परेश रावल कोर्ट के अंदर साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ऐसा कह सकते हो आप। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, भले वो माँ बाप हो या बच्चे हो, वो सारे के सारे भगवान के गुलाम है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, क्रिश्चियन, क्योंकि ये जो है ना, ये जो मैं क्यों बार बार क्रिश्चियन ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिसने ये पोएम लिखा है खलील गिब्रान, ये एक्चुअली क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट से काफ़ी इनका ताल्लुक है। तो जो भी वो लिखेंगे वो ऑब्वियसली उनका एक उनकी रिलीजन का एक इम्पैक्ट इस पोएम में पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी में आपको एक बात बताता हूँ कि ना जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को भगवान का बच्चा मानते हैं, ठीक है। और इस्लाम में ऐसा है कि वो लोग अपने आप को भगवान का गुलाम मानते हैं। ये फर्क है, आई बात समझ में? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके बच्चे नहीं हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग। लाइफ्स लॉन्गिंग का मतलब, यहाँ पर मैं एक मेटाफर के बारे में बताता हूँ कि जो भगवान है वो कभी, उनको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी से पैदा हुए हैं, और ना ही वो कभी उनका अंत होने वाला है। वो हमेशा हमेशा ता जब तक उनका कोई हद ही नहीं है, यानी उनके बारे में सोचना भी हमें हमारे वो दिमाग में वो बात आ ही नहीं सकती है। तो वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले एक ऐसे है जो कभी हम मर जाएंगे, हम पैदा होकर मर जाएंगे, लेकिन जो भगवान है वो, उनको कोई मरण नहीं है, इन शॉर्ट।
राइट। तो वो किसके बच्चे? लाइव्स लॉन्गिंग, वो जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, हमेशा हमेशा के लिए, पूरी उम्र और हमेशा हमेशा के लिए वो बच्चे भगवान के बच्चे ही रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पर अगर आपको एक सवाल पूछूं, तो फिर उन बच्चों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर हक किसका ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली भगवान का रहेगा। माँ बाप क्या समझते हैं कि मैंने मेरे बेटे को पैदा किया है तो मुझे पूरा हक है मेरे बेटे के ऊपर जोर आजमाने का। मैं अगर उठ बोलूँगा तो उठेगा, बैठ बोलूँगा तो बैठेगा, वो क्या खाएगा, वो क्या पहनेगा, वो किससे बात करेगा और कहाँ जाएगा, कैसे लोगों से मिलेगा, कौन सा करियर चूज करेगा, वो सब मैं डिसाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, मैंने उसे पैदा किया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो एक भरम तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने तो पैदा किया है लेकिन वो है किसके बच्चे? वो भगवान के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर हक किसका ज़्यादा रहेगा? भगवान का रहेगा। तो आई बात ये समझ में, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ा ताकि आपको बता सकूँ कि अलग अलग रिलीजन्स में कैसी कैसी सोच होती है। जाहिर सी बात है बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे दुनिया में, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा तो होंगे। तो ऑब्वियसली इन सारे रिलीजन में ट्रेडिशन, कल्चर, सोच और भगवान को लेके सोच अलग अलग होनी चाहिए। और कुछ तो ऐसे भी तबके हैं, यानी कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, उसे कहते हैं अथीस्ट, ठीक है। चलिए तो अगले लाइन पर चलते हैं हम लोग। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो आते हैं तुम्हारे जरिए से इस दुनिया में, यानी कि आप उन बच्चों को पैदा करते हैं लेकिन वो तुम्हारे तुम्हारा उनके ऊपर कोई हक नहीं। देखो कैसे लाइंस इस्तेमाल किए, कंफ्यूज करने वाले। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ठीक है। एंड दो दे आर विथ यू, दे आर विथ यू मतलब तुम्हारे साथ ही रहते हैं, एक ही छत में रह के, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सेम खाना पीना खाते हैं, सब कुछ आपके साथ ही करते हैं, लेकिन येट दे बिलोंग नॉट टू यू, लेकिन वो तुम्हारा उनके ऊपर कोई हक नहीं। एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू, ये एक टाइप का कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट, जो हमारे सोच को लेके काफी ऑपोजिट है। अभी तक माँ बाप बच्चों को यही कहते हैं कि मैंने पैदा किया है, ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा अपने माँ बाप से ज़्यादातर। जब बाप गुस्से में होता है तो वो बच्चे को बोलता है कि मैंने ही तुझे पैदा किया है और मुझसे ऐसे बात कर रहा है, सुना होगा तुम लोगों ने कभी किसी, अगर अपने माँ बाप से नहीं तो किसी और के माँ बाप, किसी और के माँ बाप अपने बच्चों को कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा, राइट। एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू, यानी तुम्हारे इसके ऊपर कोई हक ही नहीं, वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हमें समझने की। हम उनको प्यार कर सकते हैं, हमारा प्यार दे सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारी सोच लाद नहीं सकते कि ये तुम करो ही। यहाँ पर एक फिल्म मुझे याद आ रही है, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स अगर आप लोगों ने देखी है, हम 100% श्योर कि आप सब लोगों ने थ्री इडियट्स देखी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने थ्री इडियट्स ना देखी हो। उसमें पता है जो डॉक्टर जो यू जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने बच्चे पर इतना जोर डालता है कि तुम यही करो, तुम इंजीनियर ही बनो, तो लास्ट में वो बच्चे की हालत क्या होती है, वो आत्महत्या कर लेता है। और फिर
मुझे आगे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। आपने थ्री इडियट्स देखी है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अपने जो थॉट्स होते हैं बच्चों पर नहीं लादने चाहिए। बच्चे को पूरी आज़ादी दे दो कि क्या उसे करना है। हाँ, हम एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ तुम ये करो, लेकिन तुम ये करो ही बोले तो ये गलत है। क्योंकि देखो, जो बाप चाहता है कि हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन बच्चे को ही पता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो डॉक्टर बनने के लायक है। क्योंकि अपने से ज़्यादा यानी खुद से ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हमें क्या चीज़ ऐसी है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक पॉइंट है, वो सिर्फ हम खुद बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। माँ बाप, दोस्त यार, भाई बहन, ये भी नहीं बता सकते। तो जब माँ बाप बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम ये करियर चूज करो, तो बच्चा माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखकर वो करियर चूज करता है, लेकिन फिर वो उस तरह का एकदम आला दर्जे का कोई प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा ही नहीं है तो फिर आप उसको डॉक्टर बनाकर भी वो क्या करेगा, क्योंकि उसको इच्छा ही नहीं है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह से इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ऐसे बहुत सारे, जब वो काम करने में उसे कोई खुशी ही हासिल नहीं हो रही, तो फिर वो कैसे बनेगा वो अच्छा उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सोच चुका है। बच्चे ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। उन लोगों माँ बाप से पहले उन लोगों ने सोच लिया होता है कि मुझे ये करना है वो करना है। हालांकि माँ बाप पहले ही सोच लेते हैं बच्चा पैदा होने के, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को फलाना ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, राइट। और उस तरह की माइंड सेट बच्चे में डालते रहते शुरुआत से, ये करो वो करो इस तरह से उस तरह से। लेकिन तब आगे जाके बच्चे को समझ में आते हैं कि 12वीं पास होने के बाद कि अरे यार ये तो मुझे नहीं हो रहा, मुझसे ये मेरी बस की बात नहीं है, राइट। तब बच्चा थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट में आता है, यानी एक तरह का कहना वो पिस जाता है माँ बाप के और खुद के थॉट्स में पूरा पूरा पिस जाता है वो। लेकिन वो किसे बता भी नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप की जो सोच होती है ना वो ऐसी होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, वो किसी और की सुनना नहीं चाहता। बाप कभी किसी और का सुनना नहीं चाहता, ठीक है। ये काफ़ी रेयर केस है जब बाप कहते हैं कि कर जा जो तुझे करना है। यू मे हाउस देयर बॉडीज, यानी कि तुम उनके बॉडीज यानी कि तुम उनको फिजिकली अपने घर पर कैद कर सकते हो, बाहर मत जा, अभी नहीं जाने का बाद में जाने का, उससे मत मिल इससे मत मिल, तू वहां नहीं जाएगा इधर नहीं जाएगा, खबरदार अगर घर से बाहर कदम निकला तो, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं माँ बाप। तो हम क्या कर सकते हैं उनके बॉडीज को, उनको फिजिकली घर में कैद कर सकते हैं, उनको जबरदस्ती घर में रख सकते हैं, बट नॉट देयर सोल्स। सोल्स का मतलब यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं। एक सोल्स का मतलब होता है कि जो हमारी आत्मा होती है, अंतरात्मा, ये एक हुआ। सोल का मतलब ये भी होता है कि जो कॉन्शियस, इसको भी सोल बोलते हैं, जो हमारी सोच होती है उसको भी सोल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोल जो होता है वो आज़ाद होता है, वो जब तक अपनी बॉडी में तब तक वो कैद है बॉडी के साथ। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है, वो सोल, वो जो आत्मा होती है वो बॉडी से अलग हो जाती है और उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब सोल, क्योंकि वो आज़ाद है, वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी चीज़ में घुस सकता है, मतलब उसकी पावर बढ़ जाती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि तुम आप लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कैद कर सकते हो घर में, लेकिन उनके सोच को नहीं कैद कर सकते। वो क्या सोच रहे अपने दिमाग में उसके ऊपर तुम्हारा कोई ताबा नहीं, ठीक है। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो, क्योंकि उनकी जो सोच है वो फ्यूचर के बारे में सोच रही है,
वो आज की खा देखो कितने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, 99.9% हमेशा फ्यूचर में जीते, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचता कि मैं ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। वो हमेशा आगे का सोचता है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ठीक है, फॉर देयर सोल्स dwell, dwell का मतलब होता है रहना, इन द हाउस ऑफ टुमारो विच यू कैनॉट विजिट। देखो ये हाउस ऑफ टुमारो हो सकता है कि ड्रीम्स, किसी के ख्वाब हो। देखो हम किसी के सोच में घुसकर ये नहीं देख सकते कि वो क्या सोच रहा है, राइट? तो ये इसीलिए वो कह रहा है कि विच यू कैनॉट विजिट, तुम अपने बच्चे के दिमाग में घुसकर ये नहीं पता कर सकते कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। नॉट इवन योर ड्रीम्स, तुम ख्वाब में भी किसी के बच्चे के बारे में या अपने बच्चों के बारे में ये नहीं जानकारी हासिल कर सकते कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, वो सिर्फ उसी इंसान को मालूम है, उसी बच्चे को मालूम है या खुद को मालूम है कि वो क्या करना चाहता है। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। यू मे स्ट्राइव, कोशिश करो, जिद्दोजहद करो उनकी तरह बनने के लिए, बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यहां पर हमेशा माँ बच्चे से पूछते हैं, बेटा तुम क्या बनोगे, बेटी तुम क्या बनोगे, तो माँ बच्चे को कहती है कि तुम पापा की तरह बनो, पापा की तरह इंजीनियर बनो, पापा की तरह डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वैसा तुम करो। लेकिन पोएट कह रहा है कि तुम बच्चों की तरह बनो, उल्टा हो गया है तो, राइट? यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। लेकिन कोशिश करो कि उन्हें अपनी तरह बनाने की मत, कोशिश करो कि उनको अपनी तरह मत बनाओ। यहाँ पर इसका मतलब सीधे सीधे मैं बताता हूँ कि यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम, यानी कि जैसा उनको, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप बनो उनके साथ। बस इतना ही उनका सोच है यहाँ पर कि जैसा जैसा उनको रहना है, जैसा उनको, जैसा उनकी उनकी तरह बनो, उन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड नॉट टैरीज विद यस्टरडे। लाइफ नॉट गोज बैकवर्ड, फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड, इसका मतलब होता है कि एक बार जिंदगी चली गई, एक बार वो दिन चले गए, तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। इन शॉर्ट में अगर ये बोलूँ कि देखो एक मौका रहता है हाथ में कि अपने को ज़िंदगी में क्या करना है, एक बार वो ज़माना चला गया तो फिर से वो ज़माना हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, हम हमेशा हमारे हमेशा सोचते रहते हैं कि काश कहीं रिवाइंड बटन होता तो मैं वापस पीछे जाता और मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उस गलतियों को सुधारता। देखो लाइफ में ना रिवाइंड बटन नहीं है, जो करना है वो एक ही बार करना है, तो सोच समझ कर अपने कदम उठाओ, क्योंकि उसका इस जो तुम्हारी सोच है इसका इम्पैक्ट, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है, वो तुम्हारे आगे आने वाले फ्यूचर में होगा। फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड, अगर तुम अपनी ज़िंदगी, अपनी गलतियों को सुधारना चाहो तो भी तुम अपनी गलती को नहीं सुधार सकते। नॉट टायरीज विद यस्टरडे, ठीक है, यानी तुम पीछे जाकर मैं ये गलतियों को सुधारूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते तुम। यू आर द बोज फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन हैज लिविंग एरोज आर सेंट फोर्थ। ये जो लास्ट के जो चार पांच लाइंस है इसको आपको समझना है, इसके बेस पर ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। यू आर द बोज, अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो माँ बाप के ऊपर है। जो प्रॉफिट है वो औरत को कह रहे हैं कि यू आर द बोज,
वो इसका मतलब होता है जो धनुष बाण बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो उसमें का जो धनुष होता है ना, जिससे बाण आगे जाता है, एरो बोलते हैं उसको, तो तुम वो हो, तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम्हारे में पावर है किसी भी बाण को आगे भेजने के लिए। आई बात समझ में? तुम्हारे पास पावर है। कौन सी पावर है? पैसे की पावर है। माँ बाप के पास पैसा है, बच्चों के पास पैसा नहीं है। माँ बाप के पास मौका है, सोच बूझ है, समझ है, ठीक है। यू आर द बोज फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन हैज लिविंग एरोज। लिविंग एरोज उन बच्चों को कहा जाता है, एरोज उन बच्चों को कहा जाता है, आर सेंट फोर्थ। यानी आर्स, अभी जो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो धनुष बाण होता है ना, कोई भी धनुषधारी जब बाण को आगे भेजता है तो वो क्या करता है, धनुष को काफ़ी पीछे खींचता है, बाण को काफ़ी पीछे खींचता है। तो वो जितना ज़्यादा पीछे खींचेगा उतना ज़्यादा और उतने स्पीड से वो जो एरो है वो आगे जाएगा। तो हम भी उसी धनुष का रोल प्ले कर रहे हैं। जो माँ बाप होते हैं ना, वो धनुष का रोल प्ले करते हैं बच्चों को आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए, बच्चों को आगे कामयाब और सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये जो आगे जाना है, एरो का आगे जाना है, ये एक्चुअली बच्चों का कामयाबी के बारे में बताता है, ठीक है। सो यू आर द बोज। अब ये जो बोज कौन है, एग्जाम में आ सकता है कि यू आर हु आर कॉल्ड एज बोज, ठीक है। तो ये माँ बाप है, पेरेंट्स है, और लिविंग एरोज कौन है, ये बच्चे हैं। द आर्कर सीज द मार्क। कौन है ये आर्कर? ये आकर जो भगवान वो है, ठीक है। देखो यहाँ पर तीन चीज का इस्तेमाल, तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है यहाँ पर आर्कर। अब ये जो आर्कर होता है ना, जो धनुषधारी, ये हमेशा बाण और धनुष उसी की तो हाथ में होता है, ठीक उसी तरह से, यानी कि उसके कंट्रोल में होता है। वो आर्कर के कंट्रोल में धनुष और बाण होता है, ठीक उसी तरह से जैसे भगवान के कंट्रोल में हम दोनों हैं, माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं, ठीक है। तो भगवान का जो कंट्रोल है वो माँ बाप पर भी रहेगा और बच्चों पर भी रहेगा। द आर्कर सीज द मार्क अपॉन द पाथ। यानी देखो इस दुनिया में, जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ भी गलत हो रहा है इस दुनिया में, जितने भी जो कुछ भी गलत या सही या कुछ भी छोटे से छोटा डिसीजन, यहाँ तक कि अगर कोई पत्ता भी हिलना हो, यहाँ तक कि अगर कोई पत्ता भी हिलना चाहे तो उसे भगवान की परमिशन लेनी होती है। भगवान की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, उसके लाइफ में जो बड़े बड़े डिसीजंस, ये सारे के सारे भगवान डिसाइड करता है एज एन इंडिविजुअल सब लोग के लिए, ठीक है। तो उसे यहाँ पर कहा गया है द मार्क अपॉन द पाथ, कि आगे जाकर बच्चा क्या बनेगा ये भगवान को ही मालूम है, क्योंकि उसने ही तो तय किया है कि बच्चा क्या बनना चाहेगा। हम लाख कोशिश करें ये बनने की, लेकिन जो हमारे नसीब में है हम वही बनेंगे। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये मेरी, मैंने किया ये सब कुछ, हमारे में ना जो ये मैं वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने किया, मैं, इसे हम निकालना चाहिए। और इसके जगह पर हमें ये कहना चाहिए कि भगवान की मर्जी की वजह से ऐसा सब हुआ है, ऐसा हमें कहना चाहिए। अलग अलग रिलीजन में, जैसे कि मैंने बताया कि नाम अलग अलग दिए गए भगवान के लिए, ठीक है। द आर्कर सीज द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ द इन्फिनिट। यानी कि इन्फिनिट का मतलब होता है कि मरने के बाद भी क्या होगा वो भगवान को पता है, कि ये स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, ठीक है। द आर्कर सीज द मार्क अपॉन द पाथ, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये क्या बनेगा और सिर्फ हम उसके हिसाब से चल रहे हैं बस, ठीक है। एंड ही बेंड्स यू विथ हिज माइट। माइट का मतलब होता है पावर, और बेंड्स का मतलब होता है दबाना या चलाना, ठीक है। यहाँ पर चलाने का इस्तेमाल करूँगा मैं। हम जो कर रहे हैं ना, माँ बाप हमेशा ये कहते हैं कि मैंने तुझे खिलाए पिलाए। कभी कभार जब माँ बाप काफ़ी ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि तू मेरे वजह से इतना बड़ा हुआ है, तू मैंने तुझे खिलाए पिलाए,
ये सब कपड़े वपड़े किसने दिए? मैंने दिए तुझे, मैंने तेरे इंजीनियरिंग डॉक्टर के लिए पैसे भरे थे। ये जो माँ बाप को लगता है कि मैंने सब किया है तुम्हारे लिए, एक्चुअली माँ बाप ने उसके लिए किया है, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक जरिया है बच्चे की कामयाबी के पीछे। असल जिसने किया है वो भगवान है। भगवान ने माँ बाप को पावर दी कि तुम्हें बच्चों के लिए इतना सब कुछ करना है, ठीक है। भगवान ने ही माँ बाप को अमीर बनाया ताकि उस पैसे से माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करें। सो द आर्कर सीज द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ द इन्फिनेट एंड ही बेंड्स यू, यानी कि वो उतनी पावर देते हैं माँ बाप को विथ हिज माइट, अपने पावर से, ठीक है। दैट हिज एरोज मे गो स्विफ्ट एंड फार, दैट हिज एरो मे गो स्विफ्ट एंड फार का मतलब होता है कामयाबी, बच्चों की कामयाबी। भगवान ने ही, मैंने जैसे कि बताया था कि भगवान ने ही तुम्हें इतनी कुव्वत दी है, इतनी पावर दी है माँ बाप को, कि ताकि तुम अपने बच्चों को कामयाब बना सको, उन एरोज को तेजी से कामयाबी कर सको, ठीक है। लेट योर बेंडिंग इन द आकर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। देखो जो माँ बाप, यहां पर क्या लिखा है, लेट योर बेंडिंग इन द आकर्स हैंड, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के हाथ में सौंप दो, भगवान की खुशी के लिए। हम जो कुछ भी करते हैं ना, भगवान की खुशी के लिए करते हैं। अच्छा करना, जो भी हम लाइफ में जो अच्छा करते हैं किसी के लिए, पुण्य करते हैं किसी का, तो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। और अगर कुछ गलत नहीं करते हैं वो भी भगवान की खुशी के लिए करते हैं, ताकि भगवान हम पर खुश हो जाए कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। लेट योर बेंडिंग इन द आकर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस, यानी भगवान की खुशी के लिए अपने आप को उस तरह से बनाओ। फॉर इवन हैज ही लव्स द एरो दैट फ्लाइज, सो ही लव्स ऑल्सो द बो दैट इज स्टेबल। देखिए भगवान के लिए ना सारे के सारे लोग एक बराबर हैं, वो हमेशा लोगों को एक जैसा ही ट्रीट करता है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ बुरा नहीं सोचता। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे कर्म होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर हम अच्छा रहेंगे, लोगों के साथ में मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, ये आप लोगों ने कहा वो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आज सुन ली होगी। फॉर इवन हैज ही लव्स द एरो दैट फ्लाइज, यानी वो बच्चों को भी मदद, बच्चों से भी उसकी मोहब्बत है, और उन बोज यानी कि वो माँ बाप है वो भी उनको प्यारे है, यानी भगवान को बच्चे भी प्यारे हैं और वो माँ बाप भी प्यारे हैं। द बो दैट इज स्टेबल, बो जो धनुष होता है वो हमेशा स्टेबल ही रहता है, वो कभी भी बाण के साथ आगे नहीं जाता, धनुष हमेशा हाथ में रहेगा, जो आगे जाने वाला है वो जाएगा बाण, राइट। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, ऑन चिल्ड्रन पोएम। आशा करता हूँ आपको ये पोएम काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो दिल से इस पोएम को आगे आप शेयर कीजिए। थैंक यू, बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ।